कमिश्नर साहब, नमस्कार सर। नमस्कार, एक नाम नोट करो। नाम? सेठ दुनीचंद। बाजार में मकान है, धान मंडी में दुकान है। वो आदमी सेल टैक्स और इनकम टैक्स की काफी मोटी गड़बड़ी करने लग रही है। इंक्वायरी करो और छापे की तैयारी करो। सर आज ही कर देगा छापे की कार्रवाई का। क्या इंक्वायरी करोगा? किसान बनगे की दुकान पर जाऊंगा, सारी इंक्वायरी करांगा और आज शाम तक थाने सारो बायोडाटा निकाल के दे देगा। किसान बन गए, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो तुम ही हो बंधुराम सका, तुम ही हो ठंडा ठंडा कूल कूल तीन चार पांच देखो बर्फ बर्फ बीमार हो रही है आजकल तो नहीं अरे अरे धुंधर ओ सर सरोर सगी आ रही है सो की राम 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 राजीरो 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 राम राम क्या हाल चाल है ओ हाथ बार का दो हाथ ठंडा हो जाए नाक बार का दो नाक ठंडा हो जाए अरे कान तो मेरे ठरे ही बहुत है ओहोलिया दुकान खोली कौन खोली है देखो किसान तो आगे दिन गई छोरो काम के ठकरे है कौन करे कितनी बार अरे टीलिया ओ टीलिया साफ सफाई कर दी गई दुकान की सारी देख रहे किसान आ गया है लोग नहीं कहा आपको कोई सामान ले जाना कोई रे ले जाना है कोई खाद ले जाना है कोई बीज ले जाना है कोई खड़ ले जाना है कोई चोरी ले जाना है तू आप आराम अल्लाह टली करते फिर काम के तू हाथ कौन लगा पानी तो राजी आपने गुड़ खा ली है ये ठीक हो जाएगा पानी बात काम कर तू अपने नहीं कोई चाक पानी व्यवस्था कर बाकी तू काम बच्चे कर ले अगरबत्ती धूप ध्यान कर ले मैं थोड़ी आग पानी की व्यवस्था कर ली तप लिया है तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी जय जगदीश हरी ओहो हरे 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 वाह 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 सेठ जी सफाई कर दी पालो बहुत कर रखे नहीं अरे पालो कोई मैं कर रखे की बड़ा मेरे बच्चे काम लग गए पालो तो कुदरती हो रही है पालो कर रखे देखिए किसी की बात करे बोलो छोरो सेठ जी राम 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 शिवम है सेठ जी ब्रो सिद्धि ब्रो हाँ जी हाँ जी अच्छा क्या नो करियो कोई आठ एक ट्राली नरमी हो हाँ जना वो सेठ जी बात करिया आप देनो हाँ तो बिकवा देंगा थर तो सके दो पीस अपन तो भाव लगवाऊंगा है आज की बात है ये सारों बड़ी है मैं बेचनो ही बेचनो थे भाव ठीक दिला देनो और के थी हाँ। तो लारला साला सच्ची तो बड़ी है हाँ नरमो ही पड़ी है हाँ जना मन ने कणी थारो नाम बतायो हाँ हाँ जी का नाम चाल है कोई बात नहीं अपने माल लिए हो हर माल बिकवा दे थाना नहीं दो पीसा भाव दिला ज्यादा है हिसाब रहेगा अपनो सही देख भाई बीज राय रहेगा हिसाब पाई पाई गो पीसा ब्याज ब्याज को पीसो तो व्यवहार की बात है तुम्हारे साथ आड़त है कितारी है आड़त कौन जी आपने कोई बात नहीं चलो आप दुकान में बैठ के बात करांगा चलो चलो दुकान में बैठ के बात आजो आजो देख दिया ना तुम साहब आया कुछ चाय बनवावे गोली अभी इसको ले आ सके ठंड बहुत हो रही है हां ठंड बहुत हो रही है और पड़े लाओ आजो आजो सर जी आजो ओ राम 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 बहुत अच्छा सेठ जी मैं घूम रहे अच्छा हिंदी में नाम कर ले अरे राम राम हां अपने तीन नाम है चौधरी साहब खतर नहीं पानी लिया दो गिलास सुन गर्म पानी ले गर्म ठीक नहीं हां के बताओ आते अपने वो बात करा नहीं के अंदर माल पड़ी है बेचना लो ले वो आपने नहीं जोड़ लगा दे सारो बिल बुक पड़ी है ना सही मिलान कर दी है ओ ले अपना कैलकुलेटर बच्चा बच्चा लगा दे जोड़ भाई हिसाब तो आपको होना ही चाहिए देखो बीज राई राई को हिसाब पाई पाई को पिसल ब्याज ब्याज को पिसल व्यवहार की बात है हां 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 की बात है आठ एक ट्राली नरमो आपने तो वो बेचनो है अच्छा अच्छा सरसों तो लाला साल वाली पड़ी है धान है जो भी आठ दस ट्राली हो जी सी आठ तो आपने खड़ी है कोनी हाँ तो कोई बात नहीं आ दुकान थारी समझ रहे हो है सिद्धि ब्रो के आपने कोई दूसरा काम थोड़ी अपने काम है हैं तो आपने माल लिए करो धान लिए करो बिका देंगे अरे थान तो बिकी दो पीस अच्छा था इधर आशा की है रही बात अर्थ की अर्थ आ दुकान थारी है हैं थान तो आधी रात की जरूरत पड़े जब ही आगे ले जाइए सेठ जी से सिंपल वो तो सेठानी करी ये सिंपल रहे थाने भाई ये बात करो चौधरी जी सेठानी दिन में 20 तोला करे डेली सोनो उठाएगी थाने
तारीफ करनी अर्पण क्या लागे मेरा समझिए कि देर तू अपने हर दिन मैंने मेरी तारीफ कर बोगरा सागो पतो कराई को नहीं 10 मिनट लाग सीखे गए सेठ जी थारा 4 दुकान किराए पर चल है आ दुकान आप गए इत्ता आड़ती है थन खेती बाड़ी को तो केनो ले जाना है ओ के बात करी है देखियो मरबा 4 है सेठ जी का लोटे के सिर पर की मुंड की जमीन है घंटा के 30,000 रुपया बिगो लगे ठेके को काम तो करे को मुनीम जी रे मर मशीन है पैसा गिनना री सेठ जी बीड़ी कौन के बीड़ी वाले देखो जी मैं अपने माफी चमा मारे ने दुमर पान तुम ही मना है ना तुम्हें बीड़ी बेचने दिया ना कि पीने दिया ना आप किया हम क्या कैंसर हुआ है फेफड़ा हुआ है और बीड़ी दूर ही रहना चाहिए भी है ना जिम्मेदार आदमी तो खास कर ध्यान रखना चाहिए है देखो के हो पीस का सारा नॉलेज बहुत है बीच बीच में नहीं है सोशल मैसेज दिया सेठ जी अब सेठ जी साची को अब बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए वो बीमारी को घर है ऐसा ही थे कैंसिल कर दियो पिज्जा बना सी अब बेटे की ये फायदो सच्ची बात है सही है हां तो सेठ जी चाह कर दूंगी कैंसिल हां पिज्जा बना कर रहने देगा कैंसिल तो मैं सेठ जी अब चलना ए तड़का हवा माल लेके माल मतलब ट्राली लेके हां ट्राली लेके तो क्या पर आया चौधरी साहब तो बस पर ही आया अच्छा बस पर आया तिलिया एक काम कर अपने नी चौधरी साहब ने बस अड्डा पर जाके सिर जी पराली बस चला गया मोटरसाइकिल पर छोड़ियो नी क्या नहीं बोला एक तो पड़ो है 3 सवारी मोटरसाइकिल पर अपने फॉर्च्यूनर ले जाके फिर छोड़ गया फॉर्च्यूनर आज की है कि फॉर्च्यूनर खड़ी है अपने मंदी गाड़ी तो है लिमोजीन लिमोजीन पर बात की बात करनी है ठंडी हवा दिया ठंड में ताती ताती हवा दिया हाँ। बात थोड़ी कान के दिए बारे सेठ जी ताती हवा तो तड़का आसी चला ठीक है नहीं आज तारीख पक्की है गर्मो दान थई जाए हां हां ठीक है दो पीस ज्यादा ही दे रहा बस 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 आई जी मैं चढ़ा रहा हूं फॉर्च्यूनर सेठ जी हां तू अंदर आइए जोर लगा अपने कर दे आपने जोर लगा दे सारा को ब्याज जोड़ दे ब्याज को पड़ ब्याज जोड़ दे हैं हरे 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 रुको रुको दुनी राम जी का मकान यही है ना मकान तो ये है थे तो बही कोनी के दोनों काला ट्राली नरमो बेचना है दुकान पर भैया के बात है नरमी फड़का दी होगे हाँ तो फिर सेठ जी के लेना है सेठ जी की इंक्वायरी करना आया इंक्वायरी ऑफिसर दो सेठ जी के इनकम टैक्स और सेल टैक्स में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई है ओ ये के बस जपलिया कहीं ना अरे रुक एक बार इंक्वायरी चले पहला मैं सेठ जी ने बुलाऊं मने ठाको नहीं हो केरोड़ो है बाई करियो लो दुखो करियो है बाहर बुलाओ सेठ जी को हां थे बैठो मैं लाऊं सेठ जी सेठ जी ने चाऊं पड़सी ना कदी ना गई कोनी सेठ जी मैं घरे कोना गया घरे कोनी कणा गरे टिलिया हैं अरे ए, ए, ए तो ए तो भाई भाई कौन के इसका कल 8 ट्राली नरमो ले गए रावा और कार्ड दुकान पर आइयो मला अटके का में थरो अरे वो थानो 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 क्या ले आयो हैं
हाँ देखो भैया अपने विष्णु भगवान की कृपा है जो बात थी मेरे घर ही बता रहा है। अरे सेठ जी एक इनकम टैक्स है के? थे कोई गड़बड़ी करती बताओ है इनकम टैक्स चोरी ना इस काम में तुम्हारे तो आज तक करिए कोई नहीं एक एक हिसाब नहीं जिसको कल रखा पाना ऊपर है भाई बीज राई राई को हिसाब पाई पाई को पिसा ब्याज ब्याज की पिसवा तो व्यवहार की बात है जी है ना अरे क्या मैं चपले भाई अरे रुक पहले पूछताछ कर लेंगे अगर इसी कोई बात को नहीं पूछताछ मैंने कही अरे थे तो कल चादर कुर्तो बंदेड़ा यहाँ सब बंदेड़ो किसान बंदेड़ा जमादान पानी भरी है लेट वहाँ रात थे तो यहाँ टाई कोट नागी आया ओके हर बार का सेठ होनी जना सारा काम करना पड़े चादर कुर्तो ही बांधना पड़े टाई कोट ही पहनना पड़े ऐसे कि गड़बड़ी करिए नहीं बस सीधी सीधी बता दियो कट्ठे ना ना टेलिया मैं कही के गड़बड़ करिए मैं तो कभी कौन करा गड़बड़ी है सेठ जी बीस तोड़ा तो थारे घरों सोनो गल है चार मरबा जमीन है थारे और चार चार दुकान थारी किराए पर चल है मोटी मोटी गाड़ियां चल है ना इसकी कोई बात को नहीं है काल माना थारे तीलू राम जी सारी बात क्लियर कर दी इन्हें क्या उठाया इन सिर्फ अनिज की बात ही आवा इन मैनेज की तनखा क्या खातिर दियूं इन सिर्फ मेरी बात करन खातिर तनखा दियूं काम तो करे कौन था बैठ बैठो सोफा पर आओ जी बैठो आप बैठ के बात करेंगे हैं एक ही बात है थाने ले जाने की जरूरत थी मन ते फोन करके बुला लियो मैं आ जाऊं यार इसी कोई बात को नहीं है सेठ है तो मालदार है नहीं इसी कोई बात को नहीं है चार गाड़ियां चार चार मरबा जमीन चार चार तेरी दुकाना ये ही कोनी बड़ी वो माल तो तेरे कने और भी है ना गाड़ियां तो किया है आजकल किया है दिल्ली में जिके 10 साल पुरानी चल ले कोन जन बस सेकंड हैंड सस्ती मिल जाए बठू लेडी दू मारे गाड़ी का काम यही कोने अरे वो सेठ बहुत होशियार है देखो तो सामान काटो बारे काटो यहां कोनी मानो काटो काटो माल इसी कोई बात कोनी काटो बारे टिलिया तेम रहे मन सेठ जी के सुनो चंदी है बताइए कर मोटो मोटो काम ये करो सारा कमरे में तलाशी ले सारा सामान है टकिंडाओ अरे कोई कोनो बचड़ो नहीं चाहिए सारा तलाशी लियो ये कमरे में क्या है कमर तो खाली है गेस्ट हाउस बने रहे तो नहीं नहीं तो थर 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 पर आए गए खतर भाई खतर है तो गद्दा गुद्दा है नहीं है ये लोग क्या मचाओ लोग देखा करो उस पड़ोस में ऊपर छत पर अनजान आदमी क्या फिर अरे थानो ले जाने की जरूरत है मैंने फोन करता भैया आ जान तो सेठ माल तो बहुत है तेरे कने
लिया तेरा भाई खाता लिया जल्दी चेक करवा। भाई खाता चेक कर ले मार तो नहीं जो खानदान का है दादा पड़दादा पहली बार है नहीं है कोई जांच करनी है कोई अफसर है गरे शिव 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 इसमें कोई काम कराए कोई नहीं जको है नहीं जको मैं थारे एकदम जमा सामन रख दे छमे अरे चार मरबा जमीन तेरा बाप कराई करे रजिस्टर आ दोनों का ध्यान रखियो पीछे जाओ देखवागा पहले क्वार्टर में 12 लाख रुपया जमांगा 1200 रुपया इन दे दिया 3000 को डीजल और 5000 ट्रेडिंग कंपनी और बालाजी सेल्स कॉरपोरेशन और अन्य दे दिया 40000 कुत्ता ने जलेबी आ स्टेटमेंट काटी पहले क्वार्टर की लो साहब सारा कागज सही है मारा चेक करा रहे सी एक मिनट ठीक है अब आ जा तू दूसरा क्वार्टर आ छोड़ एक बार दूसरे क्वार्टर में देखता हूँ दूसरे क्वार्टर के मां फेरा दे दिया 15 लाख रुपया जमा 25000 रुपया फंक्शन में खर्च हुए 50000 रुपया डीजल का दे दिया फेरा एक पार्टी ने दे दिया फेरा ट्रेडिंग कंपनी ने दे दिया और फेरा दे दिया जी ठेकाड़ आ गया गा जमीन का और इनमें फिर 25000 की कुत्ता ने जलेबी अरे रुको एक जांच चले सारे बता दिया गर्मी में ठंडी हवा दे सर्दी में तत्ती हवा दे बाप लिया लिमोजीन 25 लाख को प्रॉफिट दिखाए हुए 15000 रुपया दे दिया डीजल वाले ने ए दे दिया टेलीफोन वो बिलर ओ आ गए और ओ आ गए और ओ थे फंक्शन पे खर्च कर दिया और 70000 की फिर कुत्ता ने जलेबी यार सेठ जी हिसाब किताब थारो मिल गयो क्यों भाई हां जी हां हिसाब किताब सही है जी सर आज से गड़बड़ कौन करी मार के खानदान में गड़बड़ कौन हुई थी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब तो थारो सारो हिसाब मिल गयो बट हर महीने जो की कुत्ता ने जलेबी खवाई है 5000 रुपया कुत्ता ने जलेबी 25000 रुपया कुत्ता ने जलेबी 70000 रुपया कुत्ता ने जलेबी 55000 रुपया कुत्ता ने जलेबी 75000 की कुत्ता ने जलेबी आ कुत्ता ने जलेबी सारी गिना नहीं जरा 5 लाख रुपया की होगी हां वो बिल है बिल तो कौन साहब आयो इनका तो बिल तो दिया कोनी है जी तो यही है अपने नॉर्मली चल जाओ इसे इसे चीज में दान पुण्य की आप बिल रखा है थन था कि मार मोटा दान पुण्य करना पड़ा कभी शनिवार का गुलगुला कभी मंगलवार की जलेबी है ना यहाँ तो वो की मार मोटा करना पड़ा चिकन बांटना पड़ा थोड़ा सा है ना थोड़ा ग्रेट नक्षत्र तल जी कभी कभी करना पड़ा 5 लाख की कुत्ता ने जलेबी खिलाई बिल थार करना है कोनी तो इनको तो 2.5 लाख रुपया प्लेंटी बनेगी सीधी सीधी 2.5 लाख की रसीद कटेगी थारी 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया कितना 2,50,000 हाँ तो बोला भैया थोड़ा अपने ठीक ठीक करके जिया लगा दी नहीं आती हैं जिया अपने फुटेड़े पर मलम लगाए करें जी बोले सी अपने कर लिया सेट कर लिया मुड़ के कौन कराए सी गलती अब कर बिल ले ली सेठ है यहाँ वह कौन जिया तू कह भी तो सरकारी कागज बोलने ला रहे हैं 5 लाख को जो को छुपानो पड़े नहीं इन खर्चो लग है खर्चो कोई बात नहीं तो थोड़ा सा कर दिया चावल वाले बिस्कुट लिया गोलिया चल जी काम ये है गोलिया बिस्कुट काम कौन चाले नहीं कम कम 1.5 लाख रुपया लगेगा 1.5 लाख रुपया क्या करो 1.5 लाख रुपया गुमा दोगे तुम ओले क्या हो गया अरे जपलिया के अरे रुक सेटिंग चलने लग रही है ठीक जपना वजह बता दे यो ठीक है मेरे कने मतलब ये हो भी अपने ये थे थुक लगा लगा के गिनो 1.5 लाख रुपया थार काल पानी की कमी आ जाएगी ये फिर 50000 में काट दिया सेठ यार भोली बात करे कि दो तो लारा मुंह काटने ला दिया जपलिया के ए जपण वाले नहीं हां ए यही कोनी नहीं ऊपर बॉस ने बिठाए बांगो फोन आईडो है ऐसा गो है नहीं वो भी यही कोनी आईडो यार मेरे छोटा छोटा टाबर है ए तो तने 1.5 लाख रुपया करना ही पड़सी तो कहीं नहीं अपने 51000 कर ले सेट करते हैं जी अरे यहां करो रे आओ इन जपो
लाख रुपया बात खत्म करे जो तो है ठीक है बुलाऊंगा डेढ़ लाख की फॉर्चुनर दिखा रखी है। डेढ़ लाख में फॉर्चुनर आवेगी? नहीं नहीं आ तो क्या गली नहीं जना पुरानी सेकंड हैंड यहाँ लग गया यहाँ कम कम लग गया था ना तो मान दे डेढ़ लाख में तेरी गाड़ी तो फिर मैं क्या पर चलूं मेरे चले जाए नहीं मेरे के पग में थोड़ी हार्ट अटैक की बीमारी रहे पूरा है सुन सा सुन प्यार तुझे चुन दिया तो भी मुझे चुन यार इन्हें देखिए अपने मामला नहीं जो जमा यार रफा दफा कर दियो चलो अब टेंशन ना ले सारो काम ना कनी देखियो ना कनी सुनियो आपनो काम रफा दफा तेरे तन डोली मेरे मन डोली दिल का गया करार कौन बजावे बांसुरिया बस काला धन हमारे पास तेरा मन तेरे पास जय हिंद तो चाय बनवा कॉफी ना बस धन्यवाद धन्यवाद ओ पक्की बात है सेठ जी एक बात समझे कोनी 1 लाख रुपए के खत्म लिखणे ए आपने लिख दे 1 लाख के कुत्ता जले बिगिर दी है।